दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट के अंदर पेश होना है। आप सभी को बता दें कि लगातार शराब घोटाले को लेकर के उनके ऊपर आंच गिरती हुई नजर आ रही है और एक तरफ ईडी उनको समन भेज रही है लेकिन वह पेश नहीं हो रहे, कोई ना कोई कारण वहां पे सामने आ जाता है। तो दिखाते इसी पर रिपोर्ट कि हाल फिलहाल अभी क्या कुछ ताजा अपडेट इसमें सामने आएगी। दिल्ली शराब घोटाले के अंदर जांच कर रही ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा है। इससे पहले जांच एजेंसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजा। केजरीवाल इन समन को राजनीति से प्रेरित बताकर के अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसे लेकर के ईडी ने 3 फरवरी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आज कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेज करके 17 फरवरी को पेश होने को कहा। उधर ईडी में ईडी की शिकायत को लेकर के दिल्ली शिक्षा मंत्री आदिशी ने कहा, भाजपा और मोदी अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। केजरीवाल इस लिस्ट में नंबर 1 पर है। ईडी ने केजरीवाल को 5वां समन भेज करके 2 फरवरी को बुलाया था। इससे पहले 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को भी केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है। शराब घोटाले में ही केजरीवाल के नंबर 2 रह चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल के अंदर है। फिलहाल देश में दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।